हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेशनास पैशन। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं एक DIY फेस स्क्रब शेयर करने वाली हूँ, जो इस फेस्टिव सीजन में आपको एक फेस्टिव ग्लो देगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें लगेगा राइस फ्लावर, ऑरेंज का जो स्किन है उसका पाउडर, हल्दी एंड मिल्क लगेगा, और मिल्क के ऊपर जो मलाई होता है वो भी थोड़ा सा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में हम जो हमारा जो राइस फ्लावर है उसे ले लेंगे। उसके बाद राइस फ्लावर के आधा क्वांटिटी में हम जो ऑरेंज का पाउडर है, ऑरेंज की स्किन का जो पाउडर है वो ले लेंगे। उसके बाद एक पिंच के मुताबिक हम यहाँ पर हल्दी ले लेंगे, और इन तीनों को मिक्स करने के लिए जो मिल्क था वो मिल्क और थोड़ा सा जो मलाई था उस मलाई को हम ऐड कर देंगे। तो आप आपके फेस के हिसाब से जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ले लेना, और फिर उसे मिक्स करने के लिए जितना भी मिल्क लगेगा वो अपने हिसाब से डाल लेना। और अभी ये सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसे मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो हमारा राइस फ्लोर है वो फूल सके। तो 1 से 2 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा थिक पेस्ट हो जाएगा। इस फेस स्क्रब को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर ऐसे स्किन में डैब डैब मोशन में लगाना होगा। और फिर ये जो फेस स्क्रब है आप देख ही सकते हो, ये जो फेस स्क्रब है उसे अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। इसको यूज़ करते हुए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अब सभी को कुछ बोल दे रही हूँ। तो इसमें यूज़ किए हुए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स था वो है राइस फ्लोर। तो राइस फ्लोर हमारी स्किन को रिपेयर करता है, स्किन की एक्सेस ऑयल को कम करता है और सन डैमेज से हमें बचाता है। सेकेंड जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया था वो है ऑरेंज पील पाउडर। तो ऑरेंज पील पाउडर एक बहुत ही अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। ये भी टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और जिनको अभी ड्राई, फ्लेकी एंड इची स्किन है उसे हील करने में बहुत ही मदद करता है। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स था वो है हल्दी, एंड आप सभी हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में जानते ही होंगे। तो ये हल्दी हमारे पिगमेंटेशन एंड एक्ने मार्क्स को कम करता है, और स्किन की टेक्स्चर में को हील करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट था वो है मिल्क एंड उसका मलाई। तो मिल्क हम एज अ स्किन क्लेंजर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करता है, हमारा जो स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं उसे भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है। तो ये फेस स्क्रब अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करोगे तो आपको बाहर जाने से जो भी टैन वगैरह होता है वो भी चला जाएगा, और आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड दिखेगा, और इसे यूज़ करने के बाद आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे। तो देखिए, हमारा जो स्क्रब है उसे हमने थोड़ी देर के लिए रखा था और ये अब सूख गया है। तो इसे सूखने के बाद भी हम थोड़ा सा मसाज करते हुए इसे रिमूव कर देंगे एंड पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद मेरा जो फेस है आप देख ही सकते हो कि कितना फ्रेश फील हो रहा है अभी, और मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो चेंज भी हो गया है। इसके बाद हम पूरे फेस में आइस क्यूब को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि स्क्रब करने के बाद हमारे फेस में जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है। तो
तो उसे फिल करने के लिए आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो और आप टोनर की जगह आइस क्यूब भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस टाइम पे अभी आइस क्यूब को ही पूरे फेस में अच्छी तरीके से लगा लूँगी। तो ये स्क्रब कितनी इफ़ेक्टिव है वो आप मेरे फेस को देखकर ही समझ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।